join us for the lunch session at cafeteria. All are requested to join for lunch at cafeteria. वेरी गुड, चलिए पूरा ठीक है। Hello, hello. All delegates are requested to have their lunch in cafeteria just nearby our auditorium hall number 1. Once again, all delegates are requested to have their lunch in cafeteria or either outside of the hall. This is a battery operated steel snapping tool. This is first in the world actually. Earlier. Hello. Hello. स्टील सिटी स्टील इंडिया और मार्केट के वह लीडर टाटा स्टील, जिनका प्राइवेट में स्टील कंपनी की शुरुआत 1907 से हो गई थी, लेकिन उस कंपनी को भी कोई कस्टमर बनाया गया है तो वह कंपनी हमारे साथ है और उसके प्रेसिडेंट, उसके एमडी, उसकी पूरी टीम आज यहाँ पर है और अपनी कंपनी के बारे में बताएगी, उस कंपनी का जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए कि कंपनी बनाती क्या है। स्टील उनसे ही परचेस किया जाता है और उसके ही जो माल है, उनके जो गुड्स है, उनको पैकिंग करके दिया जाता है। यही पैकिंग बताया जाता है कि वह पैकिंग टाटा स्टील इनसे खरीदती है। पैकिंग प्रोडक्ट जिसमें इस कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है और यह कंपनी के पूरे सीईओ, प्रेसिडेंट और एमडी सर भी आज हमारे साथ है। हमारा कंपनी का नाम है ग्रिप स्टाफिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग हैदराबाद में हमारा फैक्ट्री है और हम लोग स्टील स्टाफ बनाते हैं। ये जो स्टील स्टाफ होती है उससे हम लोग क्या कि पैकेजिंग के लिए हेल्प करता है। सपोज टाटा स्टील एचआर कॉयल, सीआर कॉयल बनाते हैं, सिमिलरली जो भी स्टील प्लांट बनाते हैं उसको वो लोग मार्केट जाने के लिए उसको पैकिंग करना पड़ता है। तो पैकिंग के लिए क्या होता है कि स्टील स्टाफ नहीं होने से आपको खुल जाएगी प्रोडक्ट। वो हम लोग बनाते हैं, वेरियस ग्रेड्स के बनाते हैं, हाई टेंसाइल, लो टेंसाइल और डिफरेंट साइजेस का, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम लोग उसको सप्लाई करते हैं। और वो लगाने के लिए जितना टूल वगैरह रहता है, पैकेजिंग इक्विपमेंट, मैनुअल टूल वगैरह, हम लोग सब उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और हमारा दो यूनिट है, एक तो हैदराबाद में, एक तो भाईजाक में है। और हम लोग इंडिया में करीबन 60,000 टन अभी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और हमारा रॉ मटेरियल बेसिकली दो कंपनी बनाते हैं, टाटा स्टील मेजर है और दूसरी भी स्टील कंपनी जेएसडब्ल्यू वगैरह से हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। देखिए, टाटा स्टील से उनके रॉ मटेरियल खरीदा जाता है और फिनिश प्रोडक्ट फिर उनके टाटा स्टील में आ जाता है। तो ये मार्केटिंग नहीं है तो क्या है, इन्वेंशन है। सर, कितनी साल के एक्सपीरियंस है कंपनी के? कंपनी हम लोग 15 साल से हम लोग इसको 20 साल से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इंडिया में। पहले ये जो प्रोडक्ट है, टाटा स्टील कहाँ से खरीदती थी? क्योंकि आप कस्टमर हैं, उसको बीट किए होंगे। जैसे हमारे जैसे और भी 2-3 कंपनी हमसे भी पुराने कंपनी है, उनसे भी खरीदती थी, नहीं तो लोग इंपोर्ट करते होंगे पहले। अदरवाइज हम तो 20 साल हुआ, दूसरा कंपनी है करीबन 30-35 साल से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अच्छा, आपकी कंपनी में स्पेशलिस्ट क्या है? ये तो ठीक है कि चलिए प्रोडक्ट बनाते हैं, पैकिंग मटेरियल बनाते हैं, लेकिन अगर कोई बिडिंग का सिस्टम, आज के पास कस्टमर के पास बहुत सा ऑप्शन है, उनके पास 10 ब्रांड है, 10 क्वालिटी है, तो आपकी क्वालिटी उस चारों में से, 20 में से क्या डिफरेंस है? एक्चुअली हम लोग जब बनाते हैं, हमारा एक तो कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी रहता है। जो हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं, हम लोग उसको हाई ग्रेड का खरीदते हैं,
और नामजादा जैसे कि JSW तो टाटा स्टील से खरीदे, दूसरे हो सकता है जो बनाते रॉ मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे, और हमारा क्वालिटी जो सिस्टम है मॉडर्न सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट इंडिया, डिजिटली है, हम लोग क्या बनाते हैं पूरा उसको अच्छा से चेक करके उसके बाद मार्केट में सप्लाई करते हैं। प्लस क्या होता है कि कोई भी ग्रेड चाहिए कंपनी को, हम लोग वो ग्रेड कस्टमर के हिसाब से बना के भी दे सकते हैं जो कि दूसरा कंपनी नहीं दे सकती है। जैसा कि अभी हमारा जो स्टाफ है, कोई कंपनी का लोगो चाहिए तो वो टाटा स्टील बोले और एनी कंपनी, और बोलेंगे नहीं हमको हमारा कंपनी का हमारा लोगो कैसे चाहिए, वो भी हम लोग प्रिंट करके उसको दे सकते हैं। देखिए कंपनी कितनी मेहनत की है, R&D टीम इसके बहुत अच्छा है कि कस्टमर जैसा मांगेंगे हम वैसा देंगे, यही कंपनी के मेन पॉलिसी है, और यही कारण है कि कंपनी के पूरे कस्टमर ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी स्टील फैक्ट्री है, और यहाँ हमें लगता है कि स्टील फैक्ट्री क्या जो भी पैकिंग इंडस्ट्री है उनको सबको जरूरत पड़ता होगा, एनी मेटल इंडस्ट्री वो भी मेटल सर, एल्युमिनियम बोलिए, जिंक बोलिए, स्टील बोलिए, हर जगह में रिक्वायरमेंट है सर। ये तो चलिए बहुत अच्छी बात है कि मेक इन इंडिया और पूरे गवर्नमेंट मेक इन इंडिया कंपनी है। ये चीज़ बताइए हमारे मेक इन इंडिया ग्लोबल इंडिया कैसे हो गए, ग्लोबल में आपके कौन कौन कस्टमर हैं? अभी देखिए हम लोग रशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा प्रोडक्ट वहाँ भी अभी चलते हैं, आर्सेलर मित्तल में जाता है, लॉट ऑफ जो सर आप बोल सकते हैं एक्सपोर्ट के बारे में। MD सर बताइए। गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, जनरली वी आर डूइंग एक्सपोर्ट टू अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट एरिया मोर, एंड वी आर गिविंग टू अदर यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो। ओके, देर इट इज प्रूवन टेक्नोलॉजी ओनली इज यूज, एंड वी आर रेगुलर एक्सपोर्टिंग एक्सपोर्टर टू ऑल दिस कंट्रीज। हमको आई मीन इट्स हिंदी थोड़ा अच्छा, कोई बात नहीं बोलिए ना, जो जो लैंग्वेज में तो वही लैंग्वेज में बोलिए। सर वी आर आवर क्वालिटी इज अप्रूव्ड फॉर पास्ट 15 ईयर्स, एंड वी आर ऑल्सो वर्ल्ड्स नंबर 2 इन द पैकेजिंग, our product approved product, and we are trying to explore more areas because India mein raw material quality aajkal bahut improve ho gaya thoda saal se, and Tata is the pioneer 1990 ka pehle quality of steel kaisa tha, abhi naya plant Tata idhar aane ke baad Jamshedpur mein naya plant dalne ke baad the quality of steel is equivalent or more than imported steel, so uska upar mein we are also able to go forward and achieve the target, and in fact we are using we are Tata's customer and supplier also, that's what we are happy about it. देखिए कंपनी के पास सबसे बड़ा चीज़ इसका USP है, तो सबसे बड़ी चीज़ की वह रॉ मटेरियल बहुत ही उच्च क्वालिटी का खरीदती है, दूसरी चीज़ की वो रॉ मटेरियल को जब अपनी फिनिश प्रोडक्ट अपनी कंपनी के द्वारा जब उनको तैयार किया जाता है तो और वेरी वेरी उसमें ध्यान दिया जाता है और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी दिया जाता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वह रॉ मटेरियल तो दे दी गई लेकिन उसको पैकिंग कैसे किया जाएगा, उसमें मार्किंग कैसे किया जाएगा, तो उनके टूल्स भी यह कंपनी प्रोवाइड करती है, ये टूल्स है, और उसके बात पूरी टीम है, और ये बहुत जानकारी खुशी हुई कि इनके कस्टमर टाटा स्टील के साथ साथ जो बड़े बड़े स्टील मित्तल जी हैं, जिंदल है, वह भी है, और गवर्नमेंट के जो सेल है वह भी है, और हमें लगता है कि यह कंपनी का ग्रोथ का जो रेट है, ग्रोथ की जो आगे बढ़ने की क्षमता है, हमें लगता है कि बहुत जल्दी यह ग्लोबल लीडर भी बनेगी, है ना, और क्योंकि इतने क्योंकि यह कंपनी का उस विजन से काम कर रही कि जहां पर MD और CEO अपनी प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं, तो यह सिखाता है, समझाता है कि कस्टमर से जब तक आप 1-to-1 नहीं होइएगा, जब तक आप अपनी प्रोडक्ट में इन्वेंशन नहीं कीजिएगा, जब तक आप अपनी प्रोडक्ट में R&D नहीं कीजिएगा, तब तक कंपनी को ग्लोबल लीडर नहीं बना जा सकता है। हो सकता है कि कुछ बैलेंस शीट में कुछ साल के लिए आपको ज़रूर कुछ दिखा देगा कि आज इतना प्रॉफिट हुआ, लेकिन ग्लोबल लीडर नहीं बना जा सकता, और यह बहुत बड़ी चैलेंजिंग है कि जो कंपनी का रॉ मटेरियल उनसे ख़रीदा गया और फिर उसी कंपनी को रॉ मटेरियल बनाकर फिनिश प्रोडक्ट उस कंपनी को दिया गया, तो यह हमारे MBA स्टूडेंट के लिए, स्टार्टअप स्टूडेंट के लिए और सभी के लिए जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए शिक्षा है, दीक्षा है। आप भी एम्प्लॉई तो हैं, आप भी MD और CEO बन सकते हैं। आप देख सकते सर कंपनी के पूरा डिटेल एड्रेस कहाँ आप बताइए। ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, वाइजाग में भी एक प्लांट है विशाखापट्टनम, ये कंपनी आंध्र प्रदेश में आएगा।
सर इंडियन बहुत बहुत बड़ा बाजार है, हो सकता है कि वीडियो देख के कोई कस्टमाइज अगर आपको कॉल करे तो कोई पब्लिक डोमेन नंबर है, वेबसाइट है, वो आप बताएं। वेबसाइट का नाम है www.gripstrappingtech.com। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है 9393094000। वन मोर नंबर है 9937044271। इस नंबर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एडी लाइव के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।